ले लीजिए आप। मैं क्या करूंगी इतने सारे ड्रेसेस का? जो पसंद आए पहन लीजिएगा, बाद में जो नहीं आए वो दे दीजिएगा किसी और को। जी नहीं, ये एक ही बहुत है। कमाल लड़कियां, बाहुबली तो लड़कियां डिजाइनर वेयर करने के लिए पता नहीं। सिर्फ एक ही चेंज कर लेना, पेमेंट कर देता। कुछ बताइए अपने बारे में। कॉलेज जा रही हैं? नहीं। क्यों? मम्मी ने कहा है शादी करो। और आपने क्या कहा? शादी करो। देखिए आप प्रेशर मत लीजिए घर वालों का, बट यू नो आप अगर चाहें तो मैं आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। शादी के नेक्स्ट डे फाइनल एग्जाम है। अच्छा, तो शादी आगे कर देते हैं? नहीं, मम्मी ने कहा है शादी करो तो शादी करनी है, मुझे नहीं पढ़ना। काफी फरमाबरदार बेटी है। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? प्लीज इतना प्रेशर मत लें शादी का। देखिए मैं कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। आपने जितना पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, मुझे मुझे खुशी होगी। रोए नहीं प्लीज, बल्कि आप एक काम कीजिए, आप शादी की तैयारी के साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी कीजिए। ओके, थैंक यू। ऐसे उदास मत हो, पता नहीं लोग। सो सॉरी, ये कॉल मुझे सुननी है पर शोर बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेंट कॉल है, मीटिंग है, एक्चुअली बाहर से कॉल है। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, हाय। या हाय, तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। शादी कर रही हो उससे? क्या लगा था तुम उसके साथ घूमोगी फिरोगी, बैठ के खाने खाओगी? तुम्हें लगता है कि मैं चुप करके बैठ के देखता रहूंगा? क्या करूं फिर? गुड मैरिज। देखो अभी भी वक्त है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं प्लीज। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वजह से जो मेरी अम्मी और भाई की रही सही इज्जत बची है वो भी नीलाम कर दूं? ये मैं नहीं कर सकती। मैं चुप करके देखता नहीं रहूंगा दिनेश। ठीक है,
ठीक है, जो तुमने करना है वो कर लो, मगर मैं ये नहीं कर सकती। इतना प्यार हो गया उससे। तुम तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारे सामने होता तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता, मुझे देख के तुम्हारी सांसें चलती हैं, वो सब बातें कहाँ गई यार? भूलनी पड़ी, तुम्हारे घर वालों के रवैये की वजह से वो सब कुछ भूलना पड़ा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होती हमजा, दुनिया में और भी फराइज होते हैं, और भी काम होते हैं। सुन रहा हूँ, एक लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो अकेली नहीं होती, उसे बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसे हर फर्ज पूरा करना पड़ता है। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब किसी और की बीवी बनने वाली हूँ और मुझे वो फर्ज भी पूरा करना है। तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसे ही चले जाओ जैसे अपने घर वालों के बुलाने पर चले गए थे।